योगी सरकार भले ही महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को रोकने की बात कर रही हो, लेकिन धरातल पर महिलाएं आए दिन शोषण का शिकार हो रही हैं। ऐसा ही एक मामला बांदा शहर से सामने आया है, जिसमें एक लड़की ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसे 2-3 लोगों ने जबरन पकड़कर तरल पदार्थ पिला दिया है, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। आपको बता दें कि बांदा सदर कोतवाली अंतर्गत कुशवाहा कॉलोनी निवासी खुशबू ने एसपी बांदा को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि पास के ही नजीरा बाबा व कुछ अज्ञात लोगों ने उसको रात के अंधेरे में दबोच लिया और उससे शारीरिक संबंध बनाने की बात कहने लगे। जब वह नहीं मानी तो उसको तरल पदार्थ पिला दिया, जिसके बाद से उसकी हालत खराब हो गई। चौकी इंचार्ज अत्रा चुंगी से शिकायत की गई तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह इस मामले पर सीओ सिटी राकेश कुमार ने बताया कि इस लड़की ने इससे पहले भी छेड़छाड़ का मुकदमा लिखाया था, बाद में वापस ले लिया। किसी भी तरह की घटना की जांच की जा रही है, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खुशबू, खुशबू कहाँ रहती हो? कुशवाहा नगर में कुशवाहा नगर में रहती हो? सरकारी नौकरी। तो क्या हुआ आपको? हमारे भाई नहीं थे, कोई नहीं था, तब ये आए हैं। कौन? कैद वाला कुत्ता। और तो हमसे कहा है कि हमारे साथ संबंध कर लीजिए आप, तो मैंने ये नहीं किया है। तो मेरा मुंह आपके पता नहीं कहाँ खिला दिया है, जब से मेरी हालत खराब है और मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। तो वहाँ कप्तान साहब के पास गई थी? गए थे, तो उन्होंने कह दिया है कि ठीक है जाइए, मगर पुलिस यहाँ चुंगी में पुलिस वाला दरोगा ने बुलाया है और उनको पकड़ना है। पकड़ने के बाद उनको छोड़ दिया है और कह रहे हैं जो जो दिखाई दे कर लेना। ये कब की घटना है? ये परसों की घटना है। रात की दिन की? रात की। रात के? लगभग कितने बजे होंगे? 9 बजे नौ बजे की।